लॉकडाउन में आपकी पार्टी, आपकी सरकार किस तरह से काम किया इस लॉकडाउन में, दूसरा फेज में? दूसरा फेज में हमारी पार्टी, आप लोग ने देखे कि प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने और युवा प्रदेश रंजन कुमार ने मतलब रिम्स के पास सैनिटाइजर मास्क देने का प्रयास किया, हर तरह का हेल्प मतलब रोगी रोक किया, कोई भी किसी का भी कॉल आ रहा था अटेंड करके हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया गया। हमारे कार्यकर्ता ने भी हर चौक चौराहा पे गरीब लोग को खाना देने का काम किया, लोग मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग दिया गया। और सरकार ने भी जैसे हमारे गठबंधन सरकार के हमारे मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी ने मतलब 24 घंटा झारखंड के कोने कोने में जाकर गरीब लोग को मतलब ये कोरोना काल में जितना हो सके उतना मदद उन्होंने किया। और मुख्यमंत्री ने भी अपना हर या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जी को देख लीजिए, जो एनी टाइम हर हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितना हो उतना आप सहयोग करें ताकि इस कोरोना के जंग को हम लोग को जितना है। और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कितना सहयोग किया, किस तरह से सहयोग किया, क्या लगता है आपको, आप संतुष्ट हैं उससे? जितना हम लोग को चाहिए था उतना तो नहीं मिल पाया, जितना हम लोग को विश्वास था कि केंद्र सरकार हम लोग को जितना हम लोग मांग कर वो पूरा हो, लेकिन पूरा नहीं हो सका। लेकिन मैं धन्यवाद बोलूँगा हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, जिस तरह पहला लॉकडाउन में जंग को जीता और ठीक उसी प्रकार दूसरा लहर में भी झारखंड में हम लोग कोरोना में जीत हुई हमारी सरकार को, क्योंकि पहले जो 12,000-13,000 हर रोज जो रोगी आ रहे थे, अब आप देख रहे हैं कि 10-20 पे आ गए हैं। और तीसरा लहर का भी हमारे सरकार अभी से ही तैयारी करने में लगे हुए हैं ताकि दूसरा जैसा तीसरा लहर ना हो। अब सरकार में है कि आप 2 साल होने चला रहे हैं सरकार बने हुए, रोजगार के लिए आप लोग की क्या, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, रोजगार लोगों को युवाओं को कैसे मिलेगा? अभी आप देख रहे हैं जब से हमारी सरकार बनी तब पिछले 1.5 साल प्लस ये लॉकडाउन कोरोना महामारी में हमारी सरकार दिन रात लगी हुई है। जैसे ही थोड़ा कम हुआ, 2-4 दिन पहले हमारे हेमंत सोरेन जी ने रोजगार में के लिए खुद बोले कि रोजगार 3 लाख प्लस युवाओं को रोजगार मिलेगा। या हमारे मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी ने भी अभी 2-3 दिन पहले वो भी अनाउंस किए कि हमारे विभाग में 1700 प्लस है, वो भी जो खाली पद है वो भी हम लोग भरेंगे। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र को कैसे जोड़िएगा, जैसे कि जितने भी योजनाएं आ रही हैं, जमाने रेखा हो चाहे वो बिरसा मुंडा बागवानी की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र को कैसे जोड़िएगा आप लोग, किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग ग्रामीण के लिए? हमारे सरकार के मंत्री विधायक मतलब जनता से प्रतिदिन मिल रहे हैं, समस्या को सुन रहे हैं, उस माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं कि ग्रामीण और शहर को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो अनलॉक का प्रक्रिया है, जैसे कि 1 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, संडे को पूरा संपूर्ण लॉकडाउन किया गया, कब तक लगता है कि कब तक ओपन कर दिया जाएगा, आपके क्या राय है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग खुद ही देख रहे हैं हमारी सरकार ने ये शनिवार शाम 4 बजे से मंडे 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन किए हैं। इसका फायदा हम लोग झारखंड की जनता को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग कोरोना को जंग हम लोग को जीतना है और लगभग हम लोग जीत ही गए हैं। उम्मीद है कि हफ्ता 2 हफ्ता में यह संपूर्ण लॉकडाउन जो 1 दिन का है वो उम्मीद है कि ना हो, या टाइम जो शाम 4 बजे तक जो चल रहा है वो 1-2 घंटे और बढ़ाया जाए 6-7 बजे तक को। अपना परिचय मैं अंजल किशोर सिंह,
प्रदेश मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय जनता दल झारखंड।